हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में नरेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नरेशन के टॉपिक्स में असर्टिव का रूल कंप्लीट किया, साथ साथ इंटरोगेटिव में WH वर्ड वाले सेंटेंसेस जो थे वो कंप्लीट किए। आज हम लोग सेंटेंसेस करेंगे वो सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक्सिलरीज से शुरू होते हैं, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में जाते टाइम कैसे चेंज करते हैं, आज यही रूल हम सीखेंगे। सबसे पहला रूल आ जाता है ऐसे सेंटेंसेस में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आ गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आ गया तो वो किस में बदल जाएगा? आस्ट में। किस में बदल जाएगा? आस्ट में। हम लोगों ने WH वर्ड सेंटेंसेस में भी यही सीखा था कि सेड और सेड टू को इनडायरेक्ट में जाते टाइम आस्ट में बदल दिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। इस सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस डू से शुरू हो रहा है और इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब वाला रूल इसमें अप्लाई किया जाएगा। सेड टू को किस में हमने चेंज किया है? आस्ट में। पहला रूल क्या सीखा? सेड सेड टू को आस्ट में, और इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि सेड टू को आस्ट में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या आ जाते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। तो सेकंड रूल आ गया, इन्वर्टेड कॉमास को कैसे चेंज किया जाएगा। जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को काट कर इफ में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमास को काट कर इफ में बदल दिया जाएगा। जब WH सेंटेंसेस कर रहे थे तब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को काट कर WH वर्ड में लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को काट कर, जैसे ही सेड टू मी क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास इफ में चले जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास इफ में चले जाएंगे। नेक्स्ट रूल आ जाता है हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी? विल गो आफ्टर सब्जेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच, कि सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे। तो यहाँ पर यू के बाद आर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यू के बाद आर को ऐड कर दिया जाएगा हेल्पिंग वर्ब को। नेक्स्ट रूल आ जाता है रूल 4 कि सब्जेक्ट जो है वो कैसे चेंज किया जाएगा। सब्जेक्ट कैसे चेंज किया जाएगा? हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में किया था अकॉर्डिंग टू SON फॉर्मूला, मतलब कि फर्स्ट पर्सन मीन्स सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। तो यहाँ पर ही सेड टू मी किस में गया? सेड टू आस्क में। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमास इफ में चेंज हो गए। अब हम लोग किसको पहले ले रहे हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू क्या है हमारा? सेकेंड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू, योर हमारे सेकंड पर्सन आ जाते हैं, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये आ जाते हैं। तो हम लोगों ने सेकंड पर्सन किस में लेके जाना है? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास? मी। तो मी का क्या बनेगा? आई। हम लोगों ने किया हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, सेकेंडली ये पास्ट में चली जाती है, तो इज, एम, आर बेटा जी पास्ट में जाकर किस में बदलते हैं? वॉज और वर में। किस में बदलते हैं? वॉज और वर में। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई। तो आई के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वॉज का। आई वॉज, बाकी सेंटेंस एज इट इज़, गोइंग, फॉर,
अ पिकनिक, और टूडे क्या है हमारा एडवर्ब, तो इसको टूडे को हम लोग किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स कैसे चेंज होते हैं, तो टूडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट रूल 5 आ जाता है टेंस का चेंज करना। टेंस विल बी चेंज इन टू पास्ट फॉर्म, कि जब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल करते हैं तब हम लोग टेंस जो है वो पास्ट में चेंज कर देते हैं। मीन्स कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर वास वर में, हैज हैव हैड में, और विल शैल विल वुड में, शैल शुड में, और कैन कुड में। ये सारी वर्ब्स किस तरह से चेंज होनी है इनके बारे में भी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपको इनको और डिटेल से करना है तो बेटा आप मेरा पिछला वीडियो नरेशन का जो है उसको देख सकते हो। तो रूल 5 आया, ये पास्ट में जाएगा। अब हम लोग कैसे करेंगे, ही सेड टू मी किस में गया, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास इफ में गए। डू क्या है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट, क्या है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट, और जब प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट में जाकर किस में बदल जाता है, पास्ट इनडेफिनिट में। और पास्ट इनडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो यू लेंगे सबसे पहले। यू क्या है सेकेंड पर्सन, मी में जा रहा है आई में, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, इंग्लिश एज इट इज, क्वेश्चन मार्क कट जाएगा, फुल स्टॉप में बदल जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो क्या आंसर आया, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ही सेड टू मी किस में आएगा, यस ही आस्क्ड मी में, इन्वर्टेड कॉमास इफ में, आर यू के बाद, यू सेकेंड पर्सन में, आई वॉज गोइंग फॉर अ पिकनिक दैट डे। आई थिंक आपको अब इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों इसी रूल को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आइए शुरू करते हैं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ही सेड टू मी किस में जाएगा, ही आस्क्ड मी में किस में जाएगा, ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमास इफ में, कैन यू के बाद, और यू सेकंड पर्सन मी आई, कैन किस में बदल जाएगा पास्ट में, कुड, टेल मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस में जाता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है ही, आपको बताया था जब सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्या आएगा यहाँ पर ही का, हिम, आई कुड टेल हिम द नेम ऑफ, योर क्या है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन मी में, ही कुड टेल आई कुड टेल हिम द नेम ऑफ, मी की जगह माय टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमास इफ में, यू आई में, वांट सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, टू प्ले नाउ देन में बदल जाएगा, और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू अस, ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस, इसके साथ साथ इन्वर्टेड कॉमास इफ में, यू सेकंड पर्सन अस, ये किस में आएगा वी, इज एम आर वास वर में, वी वर कमिंग
कमिंग टू द मीटिंग टूडे दैट डे में, और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में। एक और एग्जांपल देखें, माय मदर सेड टू किस में गया, आस्क में, आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमास इफ में, यू मी में, आई डिड पास्ट इनडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो हैड ब्रेक की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन यहाँ पर आपने याद रखना है सेकेंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, द स्लेट क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में। आई होप आपको ये रूल अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटे होमवर्क है, होमवर्क में आप लोगों ने जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें जितने भी टेंस सेंटेंसेस हैं सभी में आप लोगों ने इंटरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब का रूल लगाना है। आप दे सकते हो हर सेंटेंस जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस इसकी रिपोर्टेड स्पीच कैन से, सेकेंड सेंटेंस डू से, थर्ड सेंटेंस डिड से, फोर्थ विल, फिफ्थ मे से, इसी तरह से सिक्स्थ विल से, सेवन्थ में डू से, और एट्थ में विल से, नाइन्थ में हम देखें हैव हेल्पिंग वर्ब से, और टेंथ में आर से। तो इट मीन्स जो रूल आपको आज करवाया गया उसी रूल को अप्लाई करते हुए आपने इनको चेंज करना है। इसमें हमने याद रखना है प्रेजेंट इनडेफिनेट पास्ट इनडेफिनेट में अफर्मेटिव में जाते टाइम सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, इसी तरह से पास्ट इनडेफिनेट चेंज होते टाइम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। विल वुड में माइट में, डू हमारा जो है वो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में, विल वुड में, और इसी तरह से हैव हैड में चला जाएगा, आर जो है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। थैंक यू।